रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में मंगलवार को एसएसपी जोगिंदर कुमार की अध्यक्षता में महिला रिक्रूटों के साथ बैठक आहूत की गई। इस दौरान एसएसपी जोगिंदर कुमार ने महिला रिक्रूटों को पुलिस लाइन में दिए जा रहे प्रशिक्षण सहित संबंधित समस्याओं की जानकारी लेते हुए उनसे सुझाव साझा किया। साथ ही संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में एसएसपी जोगिंदर कुमार ने बताया कि हमारे पुलिस लाइन में 88 महिला रिक्रूट को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है इनको पूरी तरह से परिपक्व बनाकर समाज में पुलिस की एक अच्छी कार्यशैली स्थापित करने के लिए तैयार किया जाए, जिससे महिलाओं और बालिकाओं को 100% सुरक्षा देने में या अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी जोगिंदर कुमार ने कहा, ध्यान देने पड़े तो आप लोग अच्छा अपने आप को साबित कर पाएंगे, कानून का ज्ञान होगा और फिजिकली फिटनेस के लिए आपका इंडोर आउटडोर जो पीटीआई राइटे कराते ही होंगे, ड्रिल आपकी अच्छी होनी चाहिए और हर चीज आनी चाहिए आप, और यहाँ तैनात होगी तो आपका भी होगा, तो आपका एरिया होगा, उस एरिया में पुरुष और महिला को सबको डील करने की शक्ति होगी आपके पास। आप अगर अच्छी तरह से सर्विस को नहीं कर पाए तो फिर अपने आप दो बीस तक कहा लेते हो क्लासेस? स्कूल तो है सर। कितना रूम से उसमें क्लास में? दो रूम से देखा तो उधर क्या तो हो सकते हैं, दो ही रूम है सर, दो ही दो रूम है। आप कर दे रहे हो उसमें? हाँ, दो डिवाइड सर्विस है जो आप गुजारनी है पुलिस विभाग में 40 साल 30 साल जो उसमें रहेंगी, 40 साल 35 साल फिटनेस नंबर वन होनी चाहिए पुलिस कर्मी की। और आप देखते होंगे महिला आरक्षियों को जो आप सीनियर है, मतलब जो बढ़िया काम अच्छा करने का अलग जब देखती है सीना एकदम थोड़ा हो जाना चाहिए भर्ती करते, तो तभी जो है वरना ये ढीला डाला ऐसे घूम रहा आदमी तो वो फिर बेकार लगता है। तो वर्दी पहनने के बाद आदमी में अपने आप डबल पावर आ जाती है। 10 कांस्टेबल आपके साथ, 10 महिलाएं सिपाही आप, 10 जीवन भर की अच्छी बनेगी। और अगर आप नहीं अपने आप को मोल्ड कर पाई तो जीवन भर के लिए नौकरी आप पर एक बोझ तरीके से रहेगी। तो आपको पुलिस विभाग में आ सकता या फिट नहीं रह सकता 45 साल के बाद, उसने अगर 45 साल तक कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी उम्र में आप लोग अपने आप को फिट रख भी सकती हैं और ट्रेनिंग ये लोग कराते हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मकरा बना है सही तरीके से, और अगर फीलिंग ये आने लगे कि क्या पहना है तो फिर समझिए कि आपने गलत जॉब चुन लिया है। फिर आप मास्टर अच्छी थी, उसको लेकर के सम्मेलन किया गया था, उनकी समस्या पूछी गई थी और उनकी ट्रेनिंग के बारे में आईटीआई और पीटीआई को दर्ज किया गया। अच्छी ट्रेनिंग कराई जाए ताकि एक अच्छी महिला आरक्षी के रूप में ये लोग पुलिस को सेवा दे सके।